सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक राही पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं कि जो बटर ग्राम मोबाइल इंडिया का जो लॉगिन का प्रॉब्लम होता है उसको 100% आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड बीच में स्किप न करें, नहीं तो दोस्तों आपको जो ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर, ताकि इसी तरह की जो हमारी हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पर आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब बिना टाइम लॉस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आप ट्विटर से या फिर फेसबुक से लॉगिन होना चाहते हैं, तो मैं डायरेक्ट फेसबुक से लॉगिन करूँगा। तो यहाँ से फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमको फेसबुक एप्लीकेशन का कुछ परमिशन अलाउ कर देना है, तो मैं अलाउ कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ओपन कर ले रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली सब करना क्या है हमको, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो बैटल ग्राउंड मोबाइल है इंडिया है वो रीलोड होने लगा। सो अब ये ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ हमारा इस तरह का यहाँ पर फिर इंटरफेस खुल जाएगा। सो सिंपली से अब आप लोग यहाँ पर, सो मैं यहाँ पर इंटर हो चुका हूँ। सो यहाँ पर अब आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर सेव करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं अकाउंट पे तो क्रिएट नहीं मांगता है, ऑलरेडी टेकन योर नेम का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग जेंडर अपना चूज़ कर सकते हो, कोई भी जेंडर चूज़ करने के बाद आपको डायरेक्टली ओके कर देना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जिस भी ऐप से या फिर किसी भी एप्लीकेशन से आप लोग जैसे ही अपना ईमेल क्रिएट करते हैं तो उसका जो नाम होता है निक नेम, उसको आपको डायरेक्टली चेंज करना है। और वो भी फ्रेंड्स, आपको ऐसा नाम रखना है कि कोई भी बंदा इस नाम का हो ना, तो आपको यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर ऐसा नेम अपना चेंज नेम चूज कर ले रहा हूँ कि कोई भी बंदा इस नाम से लॉगिन नहीं हुआ रहेगा। सो सिंपली से मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राही शुभमन लिख दे रहा हूँ, अपना जो टाइटल है उसको पहले यूज़ कर ले रहा हूँ और जो नाम है उसको पीछे। तो इसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद मैं ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट कर दे रहा हूँ। जैसे ही क्रिएट करूँगा सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सो अब आपको ना एकदम प्ले करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि जो फर्स्ट मिशन होता है फर्स्ट मिशन का इंटरफेस कुछ किस तरह का खुलता है। सो आप लोगों को यहाँ पर पूरा दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बैटल ग्राउंड मोबाइल परमिशन को ओके कर देना है, यानी अलाउ कर देना है। सो यस कर देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिलता है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरह इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कट का ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्टली मैं उस पर कट कर दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि अब मैं स्टार्टिंग खेलने वाला हूँ, यानी कि मैं गेम प्ले अब खेलने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको हेड फ्रंट फीडबैक देगा कि यहाँ पर आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ कैसे आपको साइड करना है एंड कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा गेम प्ले करके दिखाने वाला हूँ कि इसके बाद आपको यहाँ पर कैसे tap right fire button to shoot किस गेम की मिशन पे खेलना है। सो उसके बाद your enemies surprise उसके बाद मैं आपको यहां पर फुल गेम खेल के दिखाने वाला हूं कि गेम कैसे प्लेइंग होता है, यानी कैसे इंटरफेस होता है, शुरू का इंटरफेस कैसा होता है। सो यहां पर पूरा आपको प्ले करके दिखाने वाला हूं। फिर यहां पर मैं ओके कर ले रहा हूं। ओके करने के बाद मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि स्टार्ट होने का इंटरफेस कुछ इस तरह का यहां पर ओपन हो जाएगा। सो यहां पर मैं डायरेक्टली अब प्ले करूंगा, गेम को खेलने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो एरोप्लेन का फीचर है कुछ इस तरह का यहां पर दिख जाएगा। सो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक की। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक करें एंड अभी तक चैनल पर नए आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ गाइस, अपना फीडबैक देना ना भूलें, यानी कि कमेंट करना ना भूलें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। सो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो या फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।